पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। फरारी के सवा साल बाद एकाएक ही उत्तर प्रदेश पुलिस को अन्य कुख्यात बदमाशों के साथ ही बदन सिंह बत्तोगी भी याद आ गई। कानपुर के विकास दुबे द्वारा 8 पुलिस जवानों की हत्या के बाद उन सभी बदमाशों के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है, जिनकी दहशत लोगों के सिर पर चढ़कर बोलती है। 25 कुख्यात लोगों की लिस्ट में अधिकांश सलाखों के पीछे स्वयं को सुरक्षित रखकर जेल से ही अपनी सत्ता चला रहे हैं, लेकिन बदन सिंह बद्दो पुलिस की मिली भगत से बहुत दूर जा निकला है। इस एक सप्ताह में पुलिस ने बदन सिंह बद्दो की फरारी में जिन लोगों की संलिप्तता पाई थी, दोबारा से उनकी तलाश व पूछताछ शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज दिल्ली रोड स्थित मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मुकेश के भाई का आरोप है कि मुकेश को 2 दिन से उठा रखा था। अच्छी खासी पिटाई के बाद आज मुकेश को जेल भेज दिया गया। फरारी कराने में सहयोग करने के आरोप में पहले जेल जा चुके डिपिन सूरी, संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री लल्लू मक्कड़, सोनू सहगल को एसटीएफ 4 दिन पहले उठाकर पूछताछ कर छोड़ चुकी है। लल्लू मक्कड़ के भाई को भी रेलवे रोड पुलिस ने कल उठाकर आज छोड़ दिया। मक्कड़ का छोड़ा जाना भी आज हालांकि चर्चा में है। एसएसपी पीआरओ ने बताया कि फरार इनामी अपराधी बदन सिंह बद्दो की फरारी के मामले में वांछित अभियुक्त मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र मुकुटलाल निवासी श्याम एनक्लेव दिल्ली रोड मेरठ, जो अभी तक उच्च न्यायालय द्वारा आरोप पत्र प्रेषित होने तक गिरफ्तारी के संदर्भ में निर्गत न्यायालय से निर्गत वारंट के आधार पर आज उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फरारी के मामले में बदन सिंह बद्दो और उसके बेटे सिकंदर के अलावा कुल 19 अभियुक्त गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई है। बदन सिंह बद्दो और उसके साथियों के नामी और बेनामी संपत्ति की जानकारी की जा रही है, तत्पश्चात इसके संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। आइए पहले आपको बताते हैं कि बदन सिंह बद्दो पुलिसकर्मियों को दावत में लगाकर कैसे फरार हो गया। दरअसल बदन सिंह बद्दो फतेहगढ़ जेल में बंद था, उसकी गाजियाबाद में पेशी होनी थी। बदमाशों को पकड़ने के लिए मुंह से ठाई ठाई की आवाज निकालने वाली प्रदेश की जिस पुलिस पर बदन सिंह को वापस फतेहगढ़ ले जाने का जिम्मा था, दरअसल वह बद्दो के इशारे पर ठुमके लगा रही थी। वह इतरा रही थी कि तुम्हारी अदाव पर मैं बलिहारी। पुलिस को बदन सिंह को पेशी के बाद फतेहगढ़ ले जाना था, लेकिन पुलिस उसे मेरठ के मुकुट महल ले आई। होटल में पुलिस को नशे में चूर व अय्याशी में व्यस्त कर बदन सिंह मोबाइल पर बात करते करते कब फरार हो गया पुलिस को नहीं पता चला। फरारी के लिए बदन सिंह ने 28 मार्च का वह दिन चुना जब पुलिस फोर्स पीएम मोदी की चुनावी रैली में व्यस्त थी। इस टीम के दरोगा देशराज त्यागी ने करीब 4 घंटे बाद इसकी सूचना मेरठ पुलिस को दी थी। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया था कि इस फरारी में टीम में शामिल दरोगा और सिपाहियों की सांठगांठ है। वर्दी को कलंकित पाते हुए तत्कालीन एसएसपी नितिन तिवारी ने सभी के बैज व बेल्ट कब्जे में लेकर गिरफ्तार करा दिया था। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।